आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर लोगों में धूम मचा रहा है और तभी से फैंस इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं। सब जानते हैं कि आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में फिरंगी मलाह नाम का किरदार निभा रहे हैं और आपको आज उनके किरदार से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताएंगे। दरअसल आमिर खान ने अपने किरदार फिरंगी मलाह को और भी रियल और दमदार बनाने के लिए अपनी अम्मी से उनका सुरमा उधार लिया था। जी हाँ, ये सच है कि आपने जिस फिरंगी मल्लाह को फिल्म के ट्रेलर में देखा है उसने अपनी अम्मी जीनत हुसैन से उधार लिया हुआ सुरमा लगाया है। आमिर खान हमेशा ही अपनी फिल्मों के लिए कुछ खास करते नजर आते हैं। इस बार आमिर खान ने सिर्फ अपनी अम्मी जीनत हुसैन से सुरमा ही नहीं उधार लिया बल्कि अपनी नाक भी छिदवाई है और नथनी पहने नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आमिर खान के साथ इस फिल्म में खुदा बख्श के किरदार में अमिताभ बच्चन नजर आएंगे और ऐसा पहली बार होगा जब दोनों सिल्वर स्क्रीन करते दिखाई देंगे। साथ ही इस फिल्म में कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी मुख्य किरदार में हैं। खैर, देखना होगा कि आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कितनी दमदार साबित होती है। आपको बता दें कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इसी साल 8 नवंबर को रिलीज। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर लोगों में धूम मचा रहा है और तभी से फैंस इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं। सब जानते हैं कि आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में फिरंगी मलाह नाम का किरदार निभा रहे हैं और आपको आज उनके किरदार से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताएंगे। दरअसल आमिर खान ने अपने किरदार फिरंगी मल्लाह को और भी रियल और दमदार बनाने के लिए अपनी अम्मी से उनका सुरमा उधार लिया था। जी हाँ, ये सच है कि आपने जिस फिरंगी मल्लाह को फिल्म के ट्रेलर में देखा है उसने अपनी अम्मी जीनत हुसैन से उधार लिया हुआ सुरमा लगाया है। आमिर खान हमेशा ही अपनी फिल्मों के लिए कुछ खास करते नजर आते हैं। इस बार आमिर खान ने सिर्फ अपनी अम्मी जीनत से सुरमा ही नहीं उधार लिया बल्कि अपनी नाक भी छिदवाई है और नथनी पहने नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आमिर खान के साथ इस फिल्म में खुदा बख्श के किरदार में अमिताभ बच्चन नजर आएंगे और ऐसा पहली बार होगा जब दोनों सिल्वर स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। साथ ही इस फिल्म में कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी मुख्य किरदार में हैं। खैर, देखना होगा कि आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कितनी दमदार साबित होती है। आपको बता दें कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इसी साल 8 नवंबर को रिलीज।